नमस्ते। सुमंगल नामक इस YouTube चैनल में आप सभी का सहर्ष मैं स्वागत करता हूं। मैं मंदार खड़तकर गुरुजी। पिछले कई वीडियो में हम पूजा पाठ मीमांसा ऐसा विषय लेकर कुछ चर्चा कर रहे हैं। पूजा के बारे में शास्त्रीय जानकारी आपको देने के लिए हम ये वीडियो बनाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि आपके और सभी शास्त्रों में पुराणों में पूजा के बारे में जो ज्ञान हमें मिलता है वो सीधा आपको प्राप्त हो जाए और आपके घर में आप जो देव पूजा करते हैं हमेशा वो अच्छे ढंग से और अच्छे शास्त्र से संपन्न हो जाए, ऐसी ही हमारी कामना इन वीडियों के पीछे है। एक श्लोक ऐसा मिलता है, पर्ण मूले भवेत व्याधि ही पर्णाग्रे पाप संभव जीर्ण पत्रम हरत्यायुहु शिरा बुद्धिर विनाशिनी। यानी हम देवताओं को जो पत्ते पान चढ़ाते हैं उसी के बारे में एक श्लोक आया है, ये पर्ण मूले भवेत व्याधि। पान हम जब भगवान को चढ़ाते हैं तो पान का डंठल जो होता है उसी के सहित देवता अर्पण करने से पान का जो डंठल होता है उसी के सहित यदि हम देवताओं को वो अर्पण करेंगे तो ऐसा करने से व्याधि आती है और उसकी नोक सहित चढ़ाने से पाप होता है। अतः डंठल तथा नोक तोड़कर पान भगवान को चढ़ाना चाहिए। हम जब पान खाते हैं तो कैसा खाते हैं, तो हम खाते समय क्या करते हैं, उसकी डंठल निकाल देते हैं और नोक भी तोड़ देते हैं। ऐसा हम पान खाते हैं, वैसा ही भगवान को चढ़ाना चाहिए, क्योंकि यथा देहे तथा देवे, जैसा हमको अच्छा लगता है हम जैसा खाते हैं वैसा ही भगवान को देना चाहिए। हम पान खाते समय कभी भी सड़ा हुआ पान नहीं खाते, तो सड़ा हुआ जो पान होता है ऐसा यदि हम पान भगवान को चढ़ाएंगे तो क्या होगा, हमारी बुद्धि भी नष्ट हो जाएगी, बुद्धि नष्ट हो जाएगी और आयु भी नष्ट हो सकती है। तो आयु और बुद्धि दोनों नष्ट हो सकती है यदि हम भगवान को सड़ा हुआ पान चढ़ाएंगे तो भगवान को सड़ा हुआ पान कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। और भी हमेशा हम भगवान के अभिषेक के लिए या नैवेद्य को समर्पित करने के लिए भोग चढ़ाने के लिए अनेक सारे मिष्टान्न बनाने के लिए हम दूध का इस्तेमाल हमेशा करते हैं, लेकिन हम दूध जब इस्तेमाल करते हैं भगवान के लिए तो कौन सा दूध सर्वश्रेष्ठ होता है? तो देखो, सर्वश्रेष्ठ दूध जो भगवान को प्रिय है वो गाय का दूध है, लेकिन गाय वही जो देसी गाय कहलाती है वही दूध भगवान को अच्छा लगता है। एक होती है जर्सी गाय और एक होती है देसी गाय, तो देसी गाय का जो देसी गौ माता का दूध होता है घी होता है वो भगवान को बहुत प्रिय है। माहिषं चाविकं छागम अयज्ञीय मुदाहृतम, ऐसा वाराह पुराण में श्लोक मिलता है। देखो, भैंस का दूध दही घी तथा बकरी का दूध दही घी
का नैवेद्य नहीं लगावे। गाय का ही दूध दही और घी होना चाहिए। गो माता से ही हमें वो लेना चाहिए भगवान के लिए। तो मानव मात्र जो होते हैं उनके सेहत के लिए कौन सा दूध अच्छा है, तो देसी गो माता का दूध और घी अच्छा है, तो भगवान को भी वही प्रिय है। जो मनुष्य ग्रहण करता है वही भगवान भी मनुष्य के ओर से ग्रहण करते हैं। देखो भोग में हम सब्जियां इस्तेमाल करते हैं, तो कौन कौन सी सब्जियां भगवान के भोग में चढ़ाई जा सकती है? भटा, गोभी, कद्दू, कूष्मांड, मूली, लहसुन, प्याज, लौकी, मसूर, गाजर, इनको भी न भगवान का निवेदन करें। भगवान